हाय फ्रेंड्स, होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। और फिर से आप सबके लिए मैं एक सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ। मेरे साथ आज है दीपानिता शर्मा एंड सी इज बेसिकली फ्रॉम असम। सो ये स्टोरी आपको मैं आपके लिए असम से लेके आ रहा हूँ। एंड प्लीज अगर आपको ये वीडियोज कंटेंट अच्छे लगते हैं, मोटिवेशन मिलता है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो माई यूट्यूब चैनल। सो हाय दीपानिता, हाउ आर यू, कैसे हो आप? हेलो सर, मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ एंड थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई इन्विटेशन एंड कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आप यहाँ आके अपनी स्टोरी बताओगे? सर, इट्स माई प्लेजर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, दीपानिता हम स्टार्ट करते हैं आपकी स्टोरी। उससे पहले मैं स्टूडेंट्स को बता दूँ, दीपानिता ने अभी रिसेंटली CA में क्वालिफाइड किया है एंड अभी कैंपस प्लेसमेंट में वेदांता में सिलेक्शन हुआ है। सो सी ऑल्सो सिक्योर्ड हर फर्स्ट जॉब इन CA में कैंपस प्लेसमेंट एंड मोर देन 11 लाख पैकेज सी गॉट इन कैंपस प्लेसमेंट्स, वन ऑफ द बिग अचीवमेंट ऑफ द लाइफ। सो लेट्स कम टू द टॉपिक, स्टार्ट करते हैं स्टोरी से और होप सो कि ये स्टोरी आपको बहुत मोटिवेशन भी करे, प्लस आपको बहुत सारे गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करेगी कि ड्यूरिंग दिस स्टडी आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। सो लेट्स कम बैक टू स्टोरी। सो दीपानिता, आप सबसे पहले आप अपने थोड़े से फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ कि आप किस टाइप की फैमिली से बिलोंग करते हो एंड आपका बेसिकली बेस लोकेशन कहाँ से आप बेसिकली बिलोंग करते हो? तो सर, मेरी फैमिली मेरी न्यूक्लियर फैमिली है। पेरेंट्स और मेरी छोटी बहन है, सिस्टर है। फिलहाल वो अभी दिल्ली में ही है, अपनी ग्रेजुएशन कर रही है। और सर, मेरी फैमिली असम में ही बेस्ड है। मैंने CMA भी असम से ही किए, मतलब ऑनलाइन क्लासेस लिया था। क्या बोल, हाँ ऑनलाइन क्लासेस लिए थे। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मैंने असम में ही किया है, गुवाहाटी में, मेरा घर ही यही है। और मेरी स्कूलिंग और कॉलेज भी यही पे रही है, तो बस इतना ही है। हाँ, मैंने 2019 में स्टार्ट की थी। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा सा बताओ, लाइक 10th 12th आप अपने एकेडमिक में आप कैसे थे? बहुत लाइक होते हैं कुछ बच्चे शुरू से बहुत एक अलग लेवल की उनकी स्टडी होती है, हमेशा क्लास में फर्स्ट आते हैं, तो आपका किस टाइप का रोल था अपने एकेडमिक जर्नी में? तो मैं नहीं बोलूँ कि मैं फर्स्ट आती थी, पर मैं एवरेज स्टूडेंट भी नहीं थी। मैं स्मार्ट स्टडी करती थी। जैसे मेरा मेमोराइजिंग जो सब्जेक्ट होते थे वो मैं ज़्यादा नहीं कर पाती थी, तो मैं उसको समझ लेती थी। और मेरा लिखने में बहुत अच्छा होता था, ये मुझे टीचर्स भी बोलते थे कि हाँ तुम पॉइंट्स लिखने में बहुत सही हो। मैं मेमोराइज नहीं कर पाती थी। और प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट्स होते थे, मैथ्स या साइंस, तब तो स्कूलिंग में साइंस में भी थे, तो मेरा उसमें बहुत पकड़ अच्छी थी। तो वैसे वैसे मेरा आगे बढ़ा और मैं फर्स्ट तो नहीं, लेकिन मैं टॉप नहीं करती थी, पर मेरे परसेंटेज 94.8 था तब CGPA, और 12th में 94% आ रही थी। तो मैं खुश हूँ अपने आप से कि मैंने किया इतना। ग्रेट ग्रेट, 94 मेरे तो 70% नंबर आए थे मेरे भी 12th में। तुम तो फिर भी बहुत आगे हो। ओके सो लाइक आपने फिर ये CMA कब आपने स्टार्ट किया, आफ्टर 12th या आफ्टर BCOM? मैंने आफ्टर BCOM स्टार्ट की थी। 2019 में मेरा ख़त्म हुआ ग्रेजुएशन, उसके बाद मैंने CMA कोर्स ज्वाइन किया। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ओरल रजिस्ट्रेशन कराया दिल्ली में, वहीं पे मैंने फिजिकल कोचिंग भी ली थी। पर मैंने अपना एग्जाम लोकेशन जो है वो मैंने गुवाहाटी डाला था। मेरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी शुरू हो गई थी दिल्ली में, फिर लेकिन कोविड आ गए, उसके बाद से मुझे भी कोविड हुआ, तो मैं वापस आ गई अपनी होम टाउन। और फिर मैंने रिजॉइन यहाँ पे एक फर्म से किया, कॉस्ट अकाउंटिंग फर्म ही था वो। उसके बाद मैंने एक कंपनी ज्वाइन की, तो वैसे मेरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वैसे ही रहा। और इसी दौरान मैं अपना एग्जाम्स भी देती रही। मैंने सिंगल सिंगल ग्रुप्स दिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाले थे मैंने सारे, लेकिन सिंगल ग्रुप्स थे सर। सिंगल सिंगल ग्रुप आपने दिया, राइट। सो बेसिकली आप ये बताओ, लाइक जब आपने BCOM क्वालिफाई किया, पास आउट हुए और CMA कोर्स को आपने ज्वाइन किया, तो एक प्रोफेशनल कोर्स में आपको क्या चैलेंजेस आ रहे थे इनिशियल स्टेज में, लाइक ड्यूरिंग द स्टडी? क्योंकि यहाँ पे सिलेबस वॉल्यूम कुछ अलग था, प्रेजेंटेशन कुछ और तरीके से की जाती है, तो आपको कुछ चैलेंजेस आए या फिर आपको आपके लिए कोई चैलेंजेस ऐसा नहीं लगा? चैलेंजेस तो आए सर, क्योंकि कोर्स के जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा थे और बहुत ज़्यादा डीप हमें पढ़ाई करनी थी। तो मैंने पहले अपना कोर्स समझा, कुछ 1-2 महीने तो मुझे उसमें लग गए,
उसके बाद मैंने हमारे जो गाइड थे, टीचर थे, उन्होंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स दिखाए थे, उस बेसिस पे मैं प्रैक्टिस करती थी, रिवीजन भी वैसे ही करती थी। तो वैसे वैसे मुझे एक आइडिया था कि ठीक है, निकलना तो चाहिए। वैसे फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और बाय गॉड्स ग्रेस वो निकल भी गया, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं सही डायरेक्शन पे जा रही हूँ। ग्रेट। सो लाइक आपने सारे एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्रैक किया, इंटरमीडिएट एंड फाइनल वन शॉट में। सो बेसिकली आपके नंबर ऑफ टाइम्स रिविजन्स आप कितने टाइम करते थे एक सब्जेक्ट को आप रिवाइज? मिनिमम 2 times मैं रिविजन करती थी एक सब्जेक्ट को। बेसिकली क्या होता था कि जो लास्ट का एक महीना जो 1 month रहता था एग्जाम से पहले, वो सिर्फ मैं रिविजन के लिए रखती थी। सारे सब्जेक्ट्स दो बार रिविजन करती थी और सिर्फ एक सब्जेक्ट लेके नहीं बैठ जाती थी, 2 subjects साइमल्टेनियसली लेके बैठ जाती थी, ताकि थोड़ा सा मतलब साइमल्टेनियसली चलता रहे और वो माइंड में ज़्यादा प्रेशर ना बन जाए। तो मैं 2 subjects एक साथ लेके चलती थी 14 days के टाइम पीरियड में। सो लाइक आपने बताया कि आपको थ्योरेटिकल टॉपिक्स में डिफिकल्टीज होती थी, तो आप स्मार्ट स्टडी करते थे, राइट? तो जैसे आप लॉ का सब्जेक्ट था, तो आप लॉ के सब्जेक्ट को आपने कैसे टेकल किया ड्यूरिंग दिस CMA कैरिकुलम? हाँ, लॉ में मैं सही बताऊँ तो लॉ में मुझे अभी भी पासिंग मार्क्स से थोड़ा ज़्यादा आया, क्योंकि वही होता था कि मैं मेमोराइज नहीं कर पाती थी। पर जैसे तैसे मतलब मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर मैं बहुत ज़्यादा देखती थी कि वो क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, और वही वैसे ही पढ़ाई करती थी। मुझे सही में बताओ तो मैं लॉ में बहुत टाइम में लगाई, लेकिन मुझे उतना मार्क्स भी नहीं आए, पर ठीक है, वो निकल गया। और अच्छा, लाइक आप अगर जैसे स्टूडेंट्स को एक सजेशन चाहिए कि लाइक एग्जाम पेपर में 100 marks का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इम्पॉर्टेंट है, या फिर कितने मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और किस तरीके से अटेम्प्ट करें कि हमारा भी वन शॉट में पेपर क्लियर हो जाए? हाँ, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, पूरा क्वेश्चन पेपर जितना हो सके अटेम्प्ट करना चाहिए पूरा। ताकि मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि हम लोग जब 100 marks का पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आते हैं, तब जाके 50 या 60 आता है। Okay. वो भी तो हाँ, तो जिस कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें पूरा पता है, लेकिन फिर भी हमें मार्क्स तो उतने ही मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट आप 80% तो कवर करके ही आइए, हो सके तो 100%, नहीं तो प्लीज 80% तो करके ही आइए, ताकि मतलब ये रहे कि हाँ, निकल जाएगा। 50 या 60 आप मान के चलिए दिमाग में कि हाँ, आ जाए, इतना तो हम ट्राई कर सकते हैं कि लाए इतना। इसीलिए मेरे हिसाब से 100% अटेम्प्ट करना जरूरी है। ओके, सो बेसिकली लाइक जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो, तो आपके फर्स्ट 15 minutes में टाइम मिलता है क्वेश्चन पेपर पढ़ने का, तो आप लाइक किस तरीके से आप डिसाइड करते थे कि आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या ये क्वेश्चन छोड़ना है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्या होता है, बच्चे सिक्वेंस से स्टार्ट कर लेते हैं और फिर क्या होता है, किसी क्वेश्चन में जाके अटक गया और फिर टाइम वेस्ट हो गया और उनका एक अटेम्प्ट वहीं निकल गया। तो ऐसा आप क्या स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते थे? मैं पूरा क्वेश्चन पेपर वो जो 15 minutes का टाइम मिलता था, मैं पूरा क्वेश्चन पेपर कभी नहीं पढ़ती थी, क्योंकि तब दिमाग में थोड़ा सा टेंशन बढ़ जाती थी। 15 minutes के टाइम पे वो जो फर्स्ट 10 marks का MCQ होते थे, या फिर जो टू मार्क्स वाले आंसर में, हाँ वो मैं लिख के रख देती थी, मतलब वो अटेम्प्ट करके रखती थी 15 minutes के टाइम पे, ताकि वो जल्दी जल्दी हो जाए। Okay. उसके बाद बाकी सब अटेम्प्ट करते रहिए। तो मेरा स्ट्रेटेजी यही था, क्योंकि फिर टेंशन बढ़ जाती है, वो दिमाग में चलता रहता है कि हाँ, बाद में वो भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं पूरा क्वेश्चन पेपर कभी नहीं पढ़ती थी। ओके, हाँ, ये मेरा अप्रोच था काउंटर करने का। ग्रेट। सो बेसिकली लाइक आपकी ओवरऑल अगर मैं CMA में परसेंटेज देखूँ, तो कितना परसेंटेज आपका बन रहा है? सर फाइनल में 57% बन रहे हैं। ओके, इंटरमीडिएट में शायद मुझे याद नहीं है, पर 70% बन रहे थे शायद। ओके, 70% एंड 57% आपका बन रहा था। ओके, सो जब आफ्टर क्वालिफाइंग CMA, देन यू कम बैक अगेन टू दिल्ली फॉर प्री कैंपस प्लेसमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम, राइट? सो देन
आपकी शॉर्ट लिस्टिंग भी आनी थी, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था कैंपस को लेके, स्ट्रेटेजी कैसे क्या करना है? प्री प्लेसमेंट में जब हम पहली बार गए तो उसमें थोड़ा सा बताया गया कि हाँ आपको ऐसे प्रिपेयर करना है, करंट अफेयर्स के बारे में और एक्सेल के बारे में ज़्यादा सीखो, वो पूछ सकते हैं, और फिर कुछ कॉस्टिंग। फिर सर आप भी एक सेशन आपका भी था, उसमें आपने एआई के बारे में बताया कि कैसे यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी यूज़ करके, तो वो सेशन मुझे याद है, वो क्वाइट फैसिनेटिंग था मेरे लिए और आई थिंक सबके लिए वही था, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत कुछ नया पता चला उस दिन, सीखने को बहुत मिला। लेकिन फिर वही था कि हाँ ग्रुप डिस्कशन भी होंगे, पीआई भी होंगे, कैसे प्रिपेयर करें, आपके कोर्सेज के बारे पता चला, तो चाहत मुंगिया थी, उन्होंने बताया कि हाँ आपसे ऐसे लिया है, तो मैंने भी देखा कि आपका कोर्स ऐसे ऐसे है, मतलब मैंने कंटेंट देखा था, उसके बाद मैंने भी सोचा कि ले लेना चाहिए। फिर जैसे आपने कंडक्ट किया ना, करवाया ग्रुप डिस्कशन एंड ऑल, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और आइडिया हुआ कि यहाँ कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें, कैसे ग्रुप डिस्कशन में अपना पॉइंट्स रखें और कैसे अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करें। कि प्री प्लेसमेंट जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम था उसमें बताया गया बहुत कुछ था, लेकिन सब क्या बोलते हैं, सब मिक्सअप हो गया था, वो रोड मैप नहीं था आपके पास कि एग्जैक्टली आपको क्या करना, वो रोड मैप नहीं था। हाँ तो इसीलिए एक बूस्ट चाहिए था जो आपके कोर्स ने और आपने वो दिया, और वो काफ़ी हेल्प हुआ उसमें प्रिपरेशन में। ओके, सो बेसिकली जो मेरा कंटेंट कोर्स कैरिकुलम था प्लस जो आपको इंटरव्यू क्वेश्चन से सारी चीज़ें मैंने प्रोवाइड किया, इट विल हेल्प यू लॉट्स ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। यस सर, वो बहुत क्वाइट हेल्पफुल था, जैसे आपने गाइड किया था कि अपने सीवी से कैसे प्रिपेयर किया जाए, कंपनी वाइज कैसे प्रिपेयर किया जाए, वैसे उस तरीके से बहुत हेल्पफुल हुआ। ओके, सो बेसिकली आप मेरे को, मतलब मेरे बारे में कुछ कहना चाहो कि लाइक मेरा मेंटरशिप ड्यूरिंग द एंटायर योर सिलेक्शन जर्नी कैसा था? सर आपका मेंटरशिप मैं बोलूँ तो, मतलब आप इंडिविजुअली बहुत गाइड करते हैं तो वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बहुत ऐसा होता है कि हाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इंडिविजुअली गाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपने इंडिविजुअली सबको गाइड किया, सिर्फ मुझे नहीं, मैंने आप नोटिस भी किया था कि हाँ हम जब ग्रुप डिस्कशन करते थे तो आप बोलते थे कि आप थोड़ा ऐसे प्रेजेंट कीजिए, आप थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं तो अपना पेस स्लो कीजिए, या फिर अपना पर्सनल इंटरव्यू राउंड जब होता है तो कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें, टेक्निकल क्वेश्चंस क्या प्रिपेयर करना है, और फिर जैसे मुझे याद है करंट अफेयर्स के बारे में क्या पढ़ाई करनी है, जो टॉपिक है जो मुझे पता ही नहीं था कि हाँ वो भी करने पड़ेंगे, हाँ तो जैसे जैसे बताए गए वैसे वैसे किया। तो आपकी मेंटरशिप तो काफ़ी, मतलब हमारे लिए नया भी था और बहुत रिफ्रेशिंग था, हेल्प बहुत हुई है सर। ओके, सो लाइक आप अपकमिंग सीएमएच को आप कुछ सजेशन टिप्स देना चाहते हो कि लाइक उनको अपनी एकेडमिक जर्नी में लाइक किस तरीके से चीज़ों को फेस करना चाहिए, एंड क्या आपका सजेशन है अपकमिंग सीएमएच के लिए? मुझे लगता है अभी सीएमए, पहले जब मैंने ज्वाइन किया था तब थोड़ा एग्ज़ाम पैटर्न भी थोड़ा इजी था, पर अभी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे एग्ज़ाम स्ट्रेटजी, कोई स्ट्रेटजी है नहीं, मतलब एक जैसे सीएमए अपना कोई पैटर्न फॉलो करता नहीं है, और काफ़ी अभी टफ पेपर भी आने लगे हैं, लेंदी भी आने लगे हैं, तो सब अपने कॉन्सेप्ट्स में ध्यान देना चाहिए, और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो हम छोड़ दें, ऐसे सोचे कि हाँ छोड़ देते नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अब ये मैं यही बोलूँगी मेरे एक्सपीरियंस से, और जब आप एग्ज़ाम देने जाए तो ये नहीं सोचे कि इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम, ये सोच मेरे हिसाब से गलत है, तभी अटेम्प्ट्स लगते हैं मुझे लगता है, तो ये अटेम्प्ट नहीं लगने का यही तरीका है कि आप एक बार में सोच के जाए कि हाँ इस बार ही निकालना है, जैसे भी हो उसी हिसाब से पढ़ाई करें, सब कुछ छोड़ के दुनियादारी छोड़ के किसी में एक बार में निकाल लें, उसी हिसाब से पढ़ाई करें और सब टॉपिक्स करें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखें, बस उतना ही है। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन कि लाइक मोस्ट ऑफ दी जैसे स्टूडेंट्स होते हैं लाइक मेल या फीमेल, जैसे वो स्मॉल सिटी टाउन से बिलोंग करते हैं तो वो सोचते हैं कि यार मैं मेट्रो सिटीज में जाऊंगा तभी पढ़ पाऊंगा, बट आपने जैसे गुवाहाटी से आपने सीएमए अपना कंप्लीट किया, लाइक वहाँ पे भी सीएमए के लिए इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं रही होगी, राइट?
तो आपने सारी चीज़ें आपने मैनेज किया, तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे स्टूडेंट्स को कि लाइक हमें एकोमोडेशन और फैसिलिटीज पे फोकस नहीं करना चाहिए, और किस तरीके से हम पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं किसी भी छोटे शहर या विलेज से भी? तो हाँ, जैसे अभी कोविड के बाद से अभी मैंने देखा है कि ऑनलाइन जो हम क्लासेस लेते हैं, लाइव क्लासेस भी है, गूगल ड्राइव भी है, पेन ड्राइव भी है, और वो काफ़ी सही होता है, क्योंकि हम अभी हमारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी चलता रहता है, उसी हिसाब से हमें पढ़ाई भी करनी होती है। तो कोई सिटी या टाउन से, या फिर ऐसा नहीं है कि हम मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे तभी पढ़ाई होगी। मुझे लगता है मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, ये मुझे लगता है। पर जैसे भी हो, आप कहीं से भी हो, कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं, लाइव ऑनलाइन क्लासेस लेके। बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस मिलते हैं, और अपने स्टडीज में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब कि अपना शेड्यूल अपना बना लीजिए, और कहीं से भी आप, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेट्रो सिटी में जाके आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो सकती है या फिर आप कर सकते हो। मैंने यही से कि अपने ऑनलाइन क्लासेस ली थी मैंने, कुछ सब्जेक्ट्स के, सारे सब्जेक्ट्स की भी नहीं ली थी, कुछ सेल्फ स्टडीज की थी मैंने, डायरेक्ट टैक्सेस और SFM, और शायद मैंने जब तब था SPM का मैंने क्लासेस लिया था, बाकी सब मैंने सेल्फ स्टडी किया। यूट्यूब है, इतने सारे हमारे सोर्सेस हैं, मैं बोल सकती हूँ, तो आप कहीं पर भी बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। बस पढ़ाई कीजिए, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेट्रो सिटीज़ में जाना है। मेट्रो सिटीज़ में जाइए, बाद में आप अब प्लेसमेंट के लिए या फिर जॉब के लिए तो आपको जाना ही है। हाँ, लेकिन कहीं से भी बैठ के पढ़ाई कीजिए, बस ये माइंड पे रखिए कि हाँ, क्लियर करना है एग्ज़ाम। ओके, थैंक्स दीपानिता फॉर शेयरिंग योर जर्नी एंड लॉट्स ऑफ टिप्स टू अपकमिंग CMAs, एंड होप कि आप अपने लाइफ में और अचीवमेंट्स ले और आगे आप बढ़ो, और हम आपके फिर से स्टोरी सक्सेस वीडियोज रिकॉर्ड करते रहे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक्स वंस अगेन। थैंक यू सर।